तो देखो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 26 था उसी के कॉन्सेप्ट पर है ये, ठीक है ना। उसी मैट्रिक से ही कर देता हूँ, ठीक ना। बेसिक से भी कर सकते हो आप, बेसिक से और बहुत सारे क्वेश्चन है उसको देख लेना तुम। तो अगर कोई वेक्टर एक्स है और इस तरह से चेंज होता है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है, ऐसे वेक्टर एक्स हो गया, ठीक है ना। तो वैसे तो वेक्टर बदल गया, एक्स वन से एक्स टू हो गया, लेकिन एक्स वन और एक्स टू की मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इसमें कितना मैग्नीट्यूड में आया, 2x sin θ/2 होता है, ठीक है ना। ये पावरफुल ट्रिक होता है। तो अगर तुम देखो कि पहले जो वेलोसिटी थी वो इधर थी भी, अब वेलोसिटी इधर है, जो मैग्नीट्यूड सेम है, तो कितनी डिग्री पे हैं दोनों वेक्टर, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से 40 डिग्री पर है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो डेल्टा भी जो आ जाएगा 2b sin θ/2, मतलब 40/2 आ जाएगा, मतलब 2b sin 20 डिग्री, यहाँ से चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। दैट इज सी ऑप्शन सही है। अरे भाई, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो ना, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 40 डिग्री है। नहीं समझ में आ रहा था, आप यहाँ से एक बार कर सकते हो, अगर बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। तो ये देखो, ये वाली, ये यहाँ से ये वेक्टर ऐसे था, ये वाली यहाँ से उसको सुपर इम्पोज कर दोगे तो ये ऐसे, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है ये और ये, ठीक है ना, दोनों के पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल अगर 40 है, तो वेलोसिटी वेक्टर के बीच का भी एंगल 40 होता है, बेसिक ज्योमेट्री है।